आप सही जगह पे आ रहे हो, इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलाएगा। उसको ऊपर वाले को घुमाओ, ऊपर आ गए यहां देखो यार। अम्मा क्या मसला है आपके साथ, क्या हुआ है जरा बताइए। पैसे लिए मारे से ना उन्होंने। किसने पैसे आपसे लिए? मालगम कानों ने। उसकी कितने पैसे आपने दिए? 23 लाख के लिए। और अब मानते हैं तो बोलते हैं कि नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, घर खाली करो। और ना कुंडे की लाइट है, और वो जब दिल करता है वो काट देता है। 5000 रुपया महीने का मांगता है कि हमारे को तो ना दें तो वो लाइट काट देता है। ये मुझे बताएं कि 23 लाख आपने दिए हुए, मकान आपने खरीदा है पगड़ी पे? नहीं नहीं नहीं, बस गिरवी पे लिया, मतलब पगड़ी पे ये लिया, इस तरीके पे लिया है हमने। अच्छा ये मुझे बताएं आपके पास तंग करने कौन कौन आता है, आपको नाम बताएं उनके। वो ही भेजता है ना, मालकम खान ही भेजता है ना लड़कों को कि भाई जाओ इनको तंग करो। वो क्या उसका नाम है, वकास है पता नहीं, ऐसे करके ना उसका नाम है। वो क्या क्या बोलता है? लड़का पैसे मांगता है, 40 खा लिया, अब कह रहा 30 मुझे और दो। मैं कहाँ से दूँ, गरीब बंदा, मैंने तो मजदूरी करता है मेरा। आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट वगैरह कराई है? जी हाँ कराई है। पुलिस आप तवन कर ही नहीं कर रही? तो अभी तो नहीं, कल ही तो करा है हम लोगों ने, दिए है वहाँ पे। यही कहेंगे भाई हमारी मदद करो, हमें हक दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। और क्या करें, गरीब आदमी है, मेहनत का पैसा है, घर बेच के हमने पैसा दिया था। और कुछ कमेडियों का इन लोगों ने हमारे के 1 रुपया भी नहीं दिया उसमें। अम्मा ब्रो है ना बस, ठीक है क्या मसला? मैंने घर लिया भाई 4.5 लाख रुपये दे के, तो अब वो दे नहीं रहे पैसे, और हमें चिड़िया चढ़ा रहा है, हमारी लाइट बंद करता है, कभी पानी बंद करता है, कहते मकान खाली कर दो, पैसे कुछ नहीं, 2 साल से दे रहे, जबकि हम किराया भी दे रहे हैं अभी 6 महीने से, हम किराया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हमें पैसे दो, हमारा घर मतलब हमने खाली करना है, क्योंकि हमें सहूलतें नहीं है यहाँ पे। तो हमें तंग करता है, बंदे भेजता है, और हमें ना वो खाली कराने की तड़ियाँ चढ़ाते हैं। अभी भी हमें बोला हमें दबाव दिया हुआ है, हम इतने परेशान हैं। अच्छा आपने पैसे कितने दिए हुए हैं? 4.5 लाख दिए मैंने। कौन कौन आपके घर में आता है आपसे बदमाशी करने के लिए? वकास को भेजता है कभी खुद, कभी फोनों पे तड़ियाँ चढ़ाता है, कभी वकास का, वो घर वकास का है? नहीं, वकास को उसने खरीदा हुआ है, उसको भेजता है हमारी तरफ, तो खाली करवा के दे मुझे मकान, उसको पैसे खिलाए हुए उसने। अच्छा जिस घर में आप रहते हैं उस घर में मीटर लगा हुआ है, कुंडा है? कुंडा है उसमें। तो जो वकास आता है वो कुंडे की पेमेंट देने के लिए आता है? नहीं, वकास को बोलता है उससे मकान खाली करवा के दे दो हमें। तो मालिक मकान आपको पैसे वापस नहीं कर रहा? नहीं, पैसे नहीं वापस दे रहे, बस कह रहा है बस जैसे 1 लाख रुपए ले लो खाली कर लो। तो हमने जब पूरी रकम हाथ से दी तो हमें पूरी चाहिए ना। अब पहले जब उसकी बीवी बाहर के कर्जे तंग करते थे तो उसके लिए उन्हें बीवी को छुपा दिया है, और अब वो बाहर के कर्जे को बोलते हैं भाग गए। अब हमें कहते हैं कोई पैसे वैसे नहीं है, घर खाली करो, जिससे लेन देन हुई जो है तो उसको बिठाए ना, उसको लेके आए। वो आखिर तक बता के गई थी इनके 4.5 लाख, इसके इतने पैसे, उसको इतने पैसे, उससे वादा कर लिया था मैं सबको दूंगा और तुम चली जाओ। उसको सुबह सुबह निकाल दिया, किसी किराएदार को किसी आस पास वालों को पता नहीं चला इसकी बीवी कहाँ गई। अब उसे फोन पे रबते भी करता है, बातें भी करता है, सब कुछ करता है, बस ये इंतजार में मकान खाली करो, सारा हिसाब किताब सीधा करो, फिर बीवी को लेके। थाने में कोई दरखास्त वगैरह दी? कोई मलबा उस पे कुछ मलबा दी? हमने दिए। क्या देना चाहेंगे जो? अभी हम चाहते हैं ना हमारे पैसे मिल जाए, हम यहाँ से मकान खाली कर लें।